नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, और उस टॉपिक का नाम है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लोअर कोर्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट में आप सबसे महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि इसका डिस्क्राइब आर्टिकल में कहां से कहां तक किया गया। सबसे पहले इस बात की चर्चा करना आवश्यक होता है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात किया जाए, सॉरी अधीनस्थ न्यायालय की बात किया जाए, लोअर कोर्ट की बात किया जाए, तो यहां पर आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इसे भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। संभावना है कि आने वाले जो भी एग्जाम हैं आपके, उस एग्जाम में इसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन तो जरूर यहां से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। LLB एंट्रेंस के लिए भी यह एग्ज़ाम आपका, यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर्टिकल 233 में क्या कहा गया है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि अनुच्छेद 233 में कहा गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्यारे दोस्तों कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर छूट गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल किसी का परामर्श तो लेता होगा ना, तो राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेकर के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्यार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिला स्तर पर एक होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। क्या होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। आप यहाँ पर जब देख रहे हो कि जिला एवं सत्र न्यायालय की जब बात की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दो होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, जिला न्यायाधीश के बारे में। देखिए, जिला न्यायाधीश किसी जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जो जिला न्यायाधीश होता है वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है, दोनों मामलों की सुनवाई करता है, चाहे सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, दोनों मामलों की सुनवाई करता है। तो जो जिला न्यायाधीश होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है प्यारे दोस्तों, आप तुरंत बता देंगे जिला न्यायाधीश होता है। यह दोनों मामलों को सुनता है, यह सिविल मामलों को भी सुनता है और आपराधिक मामलों में भी अधिकारिता रखता है। दोनों मामलों को सुनने का अधिकार इसके पास है। और यही जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले को देखता है, अब सिविल मामले तो आपका पता है कि सिविल मामले में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सिविल मामले में जो है जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले आते हैं, विवाद आते हैं। तो जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब वह आपराधिक मामलों को देखता है, क्रिमिनल केसेस को जब वह देखता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सेशन जज कहा जाता है। इस लाइन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि जब जिला न्यायाधीश जो है सिविल मामले को देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब यह आपराधिक मामलों को देखता है तब इसी को सत्र न्यायाधीश कहते हैं, सेशन जज कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण भी करता है। जो जिला न्यायाधीश होता है, यह इसका काम एक यह भी है कि यह अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है उनको, कि किस तरीके से मुझे व्यवस्थाओं को संचालित करना है।
तो ये महत्वपूर्ण दो तीन लाइन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, समझ गए। तो इसे आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, कि जब वह सिविल मामला देखेगा तो सिविल मामला जब देखेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, और जब वह आपराधिक मामलों को देखेगा तो आपराधिक मामलों को देखेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सेशन न्यायाधीश उसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेशन न्यायाधीश उसे कहा जाता है, सेशन जज कहा जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या होता है प्यारे दोस्तों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोक अदालत, लोक अदालत के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लोक अदालतें होती हैं, यहाँ विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। किसके सहमति से, जो लोक अदालतें हैं यहाँ पर, लोक अदालतों में जो विवाद होता है, आपसी विवाद, उसको सहमति से निपटाया जाता है, दोनों पक्षों की रजामंदी से निपटाया जाता है। महात्मा गांधी जो थे हमारे यहाँ, वे इस बात का समर्थन किया करते थे कि जो विवादों का निपटारा हो वह आपसी सूझबूझ के साथ ही हो, इसीलिए लोक अदालतों की जो स्थापना किया गया यह गांधी जी के सिद्धांतों पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, गांधी जी के सिद्धांतों पर ही आधारित है। और इसकी स्थापना जो किया गया हमारे यहाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसकी जो स्थापना किया गया प्यारे दोस्तों, वह सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। किसके तहत इसकी स्थापना किया गया, तो इसकी स्थापना जो है मतलब इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। स्टेटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना किया गया लोक अदालत का। लोक अदालतें जो होती हैं, ये आप अधिनियम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अधिनियम जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, यह आपका जो अधिनियम है, समझ गए। इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद जरूर कर लेंगे आप प्यारे दोस्तों। तो जो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में हम सबसे जो बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जहाँ पर भी हैं, यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखोगे कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय और जहाँ पर भी हैं, इसमें प्रायः क्या होता है कि इसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वे ही इसकी अध्यक्षता किया करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं, ये लोक अदालतों का जो अध्यक्षता करता है प्यारे दोस्तों, वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा, सेवानिवृत्त रिटायर जज के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक अदालतें हैं, तो लोक अदालतों के अध्यक्षता कौन करता है, तो लोक अदालतों की अध्यक्षता प्यारे दोस्तों कौन करता है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, रिटायर जज करते हैं। लोक अदालत में यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अलावा एक वकील भी होता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, एक वकील भी होता है, और इसके निर्णयों के खिलाफ जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती है। इस तरह से लोक अदालत जो आप देख रहे हो, लोक अदालत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, और लोक अदालत के माध्यम से हमारे यहाँ भारत में ये प्रावधान किया गया है प्यारे दोस्तों कि जो लोक अदालतें होंगी वह अच्छे तरीके से उसको क्रियान्वित करने के लिए ही, लागू करने के लिए ही लोक अदालतों का हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण ही संस्था मानी जाती हैं। इसमें बहुत तेज़ी भी आई है, लोगों का इससे बहुत बड़ा लाभ भी पहुंचा है, लोगों की समस्याएं भी बहुत ही आसानी से सुलझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि लोक अदालतों की अध्यक्षता कौन करता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बन जाता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है, और इसमें एक वकील भी होते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, समझ गए।
आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद इसके निर्णयों के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब आइए अगला जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगला न्यायालय है वह है परिवार न्यायालय। प्यारे दोस्तों, क्या है? परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट है आपका। फैमिली कोर्ट भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारे जो LLB एंट्रेंस के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो BEd के हैं या फिर जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें अत्यंत आवश्यक मानी जाती हैं। जो पॉइंट मैं आज आप लोगों के सामने, जो इस सेशन में आप लोगों के समक्ष मैं जो कंटेंट लेकर के आया हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग फैमिली कोर्ट के बारे में बात करें, परिवार न्यायालय के बारे में हम लोग बात करें। प्यारे दोस्तों, देखिए जो परिवार न्यायालय होता है ना, जो फैमिली कोर्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका स्थापना कब किया गया? तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था प्यारे दोस्तों? इसका गठन जो है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत इसका गठन विभिन्न राज्यों में किया गया था। अनेक राज्य में परिवार न्यायालय भी हैं और इसका गठन सरकार जो है, इसका गठन जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के सलाह पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? हाई कोर्ट के सलाह पर किया जाता है और उस क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहरों में इसकी स्थापना किया गया है या किया जाता है। ये जो परिवार न्यायालय हैं आपके, इसका गठन राज्य सरकार की सिफारिश से, किसके सिफारिश से? राज्य सरकार की सिफारिश के द्वारा किया जाता है और उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जाता है। जहाँ की जनसंख्या कितनी हो, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक की हो, वहाँ पर परिवार न्यायालय की स्थापना किया जाता है। यहाँ पर अगर बात किया जाएगा कि परिवार न्यायालय में कौन कौन से मामले सुनवाई होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी परिवार न्यायालय हैं, जितने भी फैमिली कोर्ट हैं, वहाँ पर मैरिज, लीगल सेपरेशन, मतलब वैधानिक जो बंटवारा होता है, जो पृथक्करण है, वहाँ इस मामले को, डाइवोर्स जो तलाक होते हैं उसको, जो एलिमनी होता है, गुजारे भत्ते आदि से जो मामले होते हैं, उन सब चीज़ों को ही यहाँ पर देखा जाता है और इसकी सुनवाई की जाती है प्यारे दोस्तों। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर अपने कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आइए अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल कोर्ट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक और है यह मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट देखिए, अगर मोबाइल कोर्ट के बारे में बात किया जाए तो मोबाइल कोर्ट का जो जनक अगर देखा जाए कि कौन थे, तो मोबाइल कोर्ट के जनक भूतपूर्व जो हमारे राष्ट्रपति, भारतीय छात्रों के प्रिय APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। मोबाइल कोर्ट का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को माना जाता है। मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य था वह था अदालत एवं जनता तक पहुँचे, मतलब जो अदालत है हमारे यहाँ, जो अदालत को स्वयं जनता तक ही पहुँचाना था। अदालत स्वयं जब जनता तक पहुँचेंगे तो जनता का इसे क्या होगा कि धन और समय दोनों का बचत होगा। प्यारे दोस्तों, क्या होगा? धन और समय दोनों का बचत होगा, धन भी बचेगा और समय भी बचेगा, इसीलिए अदालत स्वयं जनता तक पहुँचे, इसी की बात को सफलता दिलाने के लिए सरकार ने जो है मोबाइल कोर्ट की स्थापना करने के लिए अपनी मंशा बनाया और लोगों को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सके। क्या हो सके? लोगों को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सके, इसलिए भी मोबाइल कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसका पहला प्रयोग देखा जाए, मोबाइल कोर्ट का जो पहला प्रयोग था, पहला परीक्षण जो किया गया वह 2007 में किया गया था। कहाँ किया गया था? 2007 में किया गया था मोबाइल कोर्ट की स्थापना, और कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा के मेवात ज़िले में किया गया था प्यारे दोस्तों।
हरियाणा के मेवात जिले में मोबाइल कोर्ट का प्रारंभ किया गया था 2007 में। और इसमें क्या होता है कि यह बस के भीतर या खुले मैदान में लगाया जाता है। ये जो मोबाइल कोर्ट होता है, एक बस के भीतर ही सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ पर, उसी के अंदर जो है सो लोग रहते हैं और सारी सुविधाएं रहती हैं वहाँ पर, और वहीं पे फैसला सुनाया जाता है, या फिर खुले मैदान में भी लगाया जा सकता है। तो ये मोबाइल कोर्ट की एक खास बात मानी जाती है। मोबाइल कोर्ट की जो अध्यक्षता करता है, मोबाइल कोर्ट की अगर अध्यक्षता के बारे में बात किया जाए कि एडिशनल सिविल जज कौन करता है, तो मोबाइल कोर्ट की अध्यक्षता प्यारे दोस्तों एडिशनल सिविल जज करता है, या एडिशनल सिविल जज करता है, या फिर जो है सो को सब डिविजनल डिविजनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, आपके जो कम सब जुडिशियल जो डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? या तो एडिशनल जज करेंगे, या तो एडिशनल जज इसकी अध्यक्षता करेंगे, या नहीं तो फिर कौन करता है इसकी अध्यक्षता प्यारे दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता अगर या तो एडिशनल सिविल जज करेंगे, या फिर को सब डिविजनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है सो सिविल और आपराधिक मामले दोनों प्रकार की सुनवाई की जाती है। कौन से मामलों की सुनवाई? तो सिविल मामले और आपराधिक मामले, दोनों मामलों की सुनवाई यहाँ पर किया जाता है प्यारे दोस्तों। किन किन मामलों की सुनवाई किया जाता है? तो दोनों मामलों की सुनवाई यहाँ पर भी किया जाता है। आप देख रहे हैं कि दोनों मामलों की सुनवाई यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो होता है आपका यहाँ पर कि जो आपराधिक और सिविल मामले दोनों प्रकार की सुनवाई यहाँ पर भी जो मोबाइल कोर्ट में भी किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया? दोनों जगह पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिविल और आपराधिक मामला की भी सुनवाई कर रहा है, तो कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपने देखा कि एडिशनल सिविल जज और कम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका जो है सो कम कर लीजिएगा इसे, CUM क्या होगा यहाँ पर? CUM कम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, कम सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। या तो एडिशनल जज करेंगे, या फिर CUM कम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसीलिए जब बस पर ही इसकी सुविधाएं होती हैं, बस पर भी यह लेकर के अपनी सारी सुविधाओं को लेकर चलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पहियों पर न्याय, जस्टिस ऑफ व्हील्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्या बोलते हैं मोबाइल कोर्ट को प्यारे दोस्तों? जस्टिस ऑफ व्हील्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जस्टिस ऑफ व्हील्स के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये भी आप जरूर पॉइंट को लिख लेंगे कि पहियों पर न्याय या जस्टिस ऑफ व्हील के नाम से इसे पुकारा जाता है। किसे? मोबाइल कोर्ट को पुकारा जाता है, क्योंकि एक बस पर ही सारी सुविधाओं को लेकर के यह चलता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके मोबाइल जो कोर्ट थे इससे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम लोग एक नए कोर्ट की चर्चा करते हैं कि अगला कोर्ट कौन सा हम लोगों का है। तो अगला कोर्ट है प्यारे दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पे आपका आ गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। भाई देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है जनपद अदालतों की भांति ही कार्य करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं ये जनपद अदालतों की भांति ही कार्य करते हैं। किनके अनुसार? तो जनपद अदालतों की भांति ही यहाँ पर कार्य किया जाता है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूँ कि इनका गठन तो इसीलिए किया गया कि जितने भी लंबित मामले हैं, जितने भी पेंडिंग मामले हैं, विशेषतः जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले हैं उन्हीं को निपटाने के लिए इनकी स्थापना किया गया है, इनका गठन किया गया है प्यारे दोस्तों, समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस लिए किया गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना प्यारे दोस्तों जो लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग केसेज हैं, विशेषतः जो आपराधिक प्रकृति के हैं,
वैसे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किया गया है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो स्थापना है यह हमारे यहाँ किसके सिफारिश पर किया गया, यह भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, 11th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, एडवाइस पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। प्यारे दोस्तों, इसमें विशेष रूप से मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे की निपटारे किए जाते हैं जिनमें अपराधी जमानत पर है। इसे फिर से आप समझने का कोशिश करें, इसमें विशेष रूप से वैसे मामले की सुनवाई होती है कि इसमें ऐसे विशेष रूप से मामले जो 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने मुकदमे को निपटाने के लिए चुना जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और जिनमें अपराधी क्या होते हैं कि यदि जमानत पर है तो वैसे मामलों की सुनवाई कहां पर की जाती है, अक्सर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का प्रावधान किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर जो है सो लिख लेंगे, क्योंकि आप इसे लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपराधिक जमानत पर है जो है, अगर यहाँ पर आप फिर से देखें कि विशेष रूप से यहाँ पर ऐसे मुकदमों की सुनवाई की जाती है कि जो 2 वर्ष या उससे अधिक पुराना मुकदमा हो उसको निपटाने के लिए यहाँ पर इसकी सुनवाई की जाती है, या जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो अपराधी है वह जमानत पर है कितने दिनों से, तो उस जमानत पर जो अपराधी है उसकी भी सुनवाई करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। देश के प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है, कितना है, 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था किया गया है हमारे यहाँ, समझ गए। तो ये आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक और कोर्ट आया जो महत्वपूर्ण कोर्ट है, आपका ई अदालत और आभासी न्यायालय। प्यारे दोस्तों, क्या है, ई अदालत और आभासी अदालत। तो ई अदालत, ई कोर्ट और आभासी कोर्ट, मतलब कि वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट एंड वर्चुअल कोर्ट के बारे में अब आप समझने वाले हैं। देखिए मोस्टली अगर बात किया जाए तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि किसी भी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, उसके साक्ष्य का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई बाहुबली का अगर कोई केस है और कोई एक साधारण व्यक्ति केस लड़ रहा है, और बाहुबली व्यक्ति यदि साधारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो जो भी साधारण व्यक्ति अगर केस को जीतने वाला है उसके पास इविडेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है ना, उसके गवाह को देने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अक्सर बाहुबली लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ कि गवाहों को मार दिया करते हैं, उन्हें मिटा दिया करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए एक ई कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट को ई अदालत और आभासी अदालतों की स्थापना करने पर जोर दिया, और जहाँ पर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि किसी भी केसेस को यहाँ पर इस रूप में ध्यान दिया जाता है कि भाई अधिक लागत के बिना यदि गवाह को बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य को, उसके एविडेंस का अभिलेखन, मतलब रिकॉर्डिंग, कि वह क्या कहना चाहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, समझ गए, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उसके एविडेंस को और उसको फिर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि फैसला सुनाने में पारदर्शिता ज़्यादा होगा और सही व्यक्ति को न्याय मिलने में भी सुविधा होगी। प्यारे दोस्तों, क्या होगा, सही व्यक्ति को भी जो है न्याय मिलने में सुविधा हो सकता है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की जो प्रक्रिया है ना,
इसमें इसीलिए इसे दूरस्थ न्याय भी कहते हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्ति गवाह कहीं और है और जो सुनने वाले, जो फैसले सुनाने वाले जो जज हैं वे कहीं और हैं, लेकिन तो भी गवाह के द्वारा दिए गए जो बयान होता है उस बयान को वे रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके उसको जब केस प्रेजेंट किया जाएगा वहाँ पर, जब अदालत में जब आपका केस जब जाएगा तो वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस गवाह के द्वारा बताई गई जो बातें हैं उसको वहाँ पर एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। इससे न्याय बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को सही न्याय मिलेगा, जल्द न्याय मिलेगा। इसलिए आपका जो ई अदालत है और जो आभासी अदालतें हैं प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही लाभदायक हैं लोगों के लिए। तो इस तरह से आप ई अदालत और आभासी अदालतों के बारे में देखें तो आप यहाँ पर देखें कि इसकी स्थापना कब किया गया, तो 2003 में इसका प्रावधान किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, समझ गए। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, दूरस्थ न्यायालय भी इसे कहा जाता है ना, टेल जस्टिस इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टेल जस्टिस भी इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब आपके पास एक और यहाँ पर न्यायालय है जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका न्यायालय है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे तो क्वेश्चन पूछा ही गया है एग्ज़ाम में आपका कि कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अदालतें क्या होती हैं। तो उपभोक्ता अदालतों के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो था, उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया प्यारे दोस्तों। कितने स्तरों पर, 3 स्तर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तरों पर काम करते हैं तो आप क्या बताएंगे, तुरंत आपका आंसर हो जाना चाहिए कि 3 स्तर पर काम करते हैं। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर काम करते हैं। उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया प्यारे दोस्तों, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 के तहत, आप तुरंत इसको इंडिकेट कर देंगे। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि सबसे निचले स्तर का जो न्यायालय होता है, सबसे निचले स्तर का जो अदालत होता है उसको क्या कहा जाता है, तो जिला उपभोक्ता फोरम कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम कहा जाता है, मतलब उपभोक्ता अदालत में, उपभोक्ता न्यायालय में जो सबसे निचली स्तर की जो अदालत होती है इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों जिला उपभोक्ता फोरम। क्या बोलते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम इसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो इसके ऊपर जब आप देखते हैं तो एक राज्य स्तर का अदालत होता है, क्या होता है, राज्य स्तरीय अदालत भी होते हैं, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होता है प्यारे दोस्तों। स्टेट लेवल पे यह होता है सेकंड, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला उपभोक्ता फोरम, उसके ऊपर जो है राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत फोरम होता है, और उसके बाद जब ऊपर जाएंगे जब आप प्यारे दोस्तों तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कहाँ होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 स्तर पर उपभोक्ता फोरम है, सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, उसके मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होते हैं जिनको राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से इंडिकेट किया जाता है प्यारे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे इसके ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत भी होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत भी होता है इसके ऊपर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत जो होती हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग कहा जाता है। जो सबसे ऊपर जो राष्ट्रीय अदालत पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग कहा जाता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है इसे। इसके निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। कहाँ कर सकते हैं, इसके खिलाफ जो है, ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो उपभोक्ता फोरम होती हैं इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं कि इनके खिलाफ जो है सो आप इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सो अपील कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है सो आप अपील कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए आपका एक और आपका कोर्ट आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब हरित पीठें तथा हरित अधिकरण।
मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो था वह 1980 से 1990 के डिकेड में, दशक में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 और 1990 के डिकेड में आर्टिकल 21 की व्याख्या के दौरान अनुच्छेद 21 में जैसे कहा गया है कि लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या किया था तो कहा था वहाँ पर कि लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु में पीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में, पर्यावरण में रहने का अधिकार है, तो उसी की व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 21 के व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इसकी जो धारणा सामने आया था, और इसीलिए संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। प्यारे दोस्तों, क्या पारित किया गया? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया प्यारे दोस्तों। और इसी प्रावधान के आधार पर हरित पीठें और हरित अधिकरण की स्थापना किया गया है प्यारे दोस्तों। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुआ? तो संसद के द्वारा हुआ। आपने देखे कि संसद में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया, और संसद में प्रस्ताव पारित करके जो है इसे 2010 में एक अधिनियम पास कर दिया गया, ठीक ना, और तब जाकर वैसो यह संचालित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो हरित अदालत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है प्यारे दोस्तों। ये ज़रूर आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपसे चर्चा किया। तो आज हम लोगों ने प्यारे दोस्तों, आइए एक बार सरसरी निगाहों से देख लें कि किन किन कोर्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हम लोग जो देखे प्यारे दोस्तों, वह हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के तहत लोक अदालत का भी स्टडी किए। लोक अदालत के तहत बाद हम लोग जो है सो परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट के बारे में देखे। फैमिली कोर्ट के बाद हम लोग मोबाइल कोर्ट के बारे में भी पढ़े। मोबाइल कोर्ट के बाद हम लोग जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में स्टडी किए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद ई अदालत या आभासी अदालतों के बारे में भी हम लोग देखे, और ई अदालत के बाद हम लोग कंज्यूमर फोरम के बारे में देखे, कंज्यूमर कोर्ट के बारे में देखे, उपभोक्ता अदालत के बारे में देखे, और लास्ट हम लोगों ने देखा कि हरित पीठें तथा हरित अधिकरण, ग्रीन ब्रेंचेज यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा प्यारे दोस्तों? आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना महत्वपूर्ण रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको कंटेंट इसमें कितने दिए गए आप इसके बारे में भी जो है सो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर एक दो कहीं ना कहीं से पूछे ही जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा अपना, ठीक। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।